हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, जिस सभी को कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं सोनिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ एक और न्यू व्लॉग में। और गाइस, अभी मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ लंच पैक। प्याज तो आधी यहाँ भी रखी है। तो जी, आज मैं क्या बना रही हूँ, सुबह सुबह कढ़ी चावल, और दिन में बनाऊँगी रोटियाँ भी तो बच्चों को दूँगी मैं। टिफिन में कढ़ी चावल पैक कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय, फिर मैंने यहाँ पे कड़ी गोल कर रख दी है, ये गोलती रहेगी, बाद में इसको छोड़ दूंगी। और बने रहना जी आप भी लास्ट तक मेरे साथ, और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब, साथ के साथ बेल आइकन ऑन कर लिया करो जी, ताकि आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। और जी ये ऐड कर दी है हींग के बाद मेथी। मेथी दाने में कड़ी ना बहुत ही यमी बनती है ये। उसके बाद ऐड करेंगे, पहले पानी की ऐड कर रही थी भूल जाते हैं, हरी मिर्च, साथ में प्याज, और ये दो हरी मिर्च है भाई। ये पति देव के लिए अलग से है, ये छुपी हुई तो हरी मिर्च उनको जरूर चाहिए। आज मैं लाल मिर्च ऐड नहीं करूंगी, हरी मिर्च ऐड करूंगी तो कड़ी में ना हरा ग्रीन कलर आएगा, ग्रीन ग्रीन सी से। धनिया और हल्दी पाउडर पहले ही ऐड कर दिए, इसको रख देते हैं थोड़ा सफाई करके इसकी। और अब गाइस, इसमें ये मैंने ना पानी अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद कट करी है, फिर इसमें ऐड करिए। अभी ये जिस भी है बाहर निकाल, और पालक बन बन गई है तो जी ऐसे चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे, नहीं तो फट जाएगी छाई। आप ना पानी दे दो थोड़ा सा, गीजर में चला कर बर्तन साफ कर दो, ठंडे पानी में नहाओ साफ, बहुत ठंड लग रही है। और वो तो गाइस हमारे अंदर इतनी ठंड आती नहीं है, हीटर भी चला लेती हूँ, गेट बंद कर देती हूँ, दोनों बंद घर है, जाल भी नहीं है बीच में, बिल्कुल बंद है, फिर भी उसके बाद भी इतनी ठंड लग रही है। वैसे तो कम ही ठंड रहती है हमारे घर में, गर्मियों में गर्मी भी कम होती है, सर्दियों में सर्दी कम होती है। बाहर निकल रहे ना, वो ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल सीली चल रही है, सीली बाहर,
ब्यार 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 क्या होती है, मेरे ससुराल में बोलते हैं ससुराल, ससुराल में बोलते हैं ससुराल, और बाल को बोलते हैं हवा को, बाल को ब्यार। मेरी ससुराल में एकदम सीली ब्यार समझ लेते हैं, अभी बाहर निकलेंगे ना तो बाहर की बेबी जी हमारे से बोलती है अरी बेबी बड़ी सीरी ब्यार चल रही है आज तो। पहले मेरे को समझ नहीं आया करती कि सीरी ब्यार क्या हो, बाद में धीरे धीरे पता चली हवा को बाल बोलते हैं, हवा को बोलते हैं ब्यार। हंस खा ले, गाल दो पड़ी लंच में डाल देना, लंच में क्यों ले तो जाएगा, खा ले यही खा ले। अभी गाइस मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, और बर्तन साफ कर रही हूँ गर्म पानी में, बहुत ठंड लग रही है तो रोटी सब्जी बन गई है जी। किचन का काम अभी कर दूंगी फारिक, किचन से फ्री होकर फिर बाकी के काम करेंगे। सुबह सुबह ना बच्चे स्कूल जाते हैं, इतनी ठंड हो रही है, छुट्टी दो चार और बच जानी चाहिए। आ जाओ गाइस खाना खा लो, और ये मैं हाथ में ले रही हूँ दो रोटी पतली पतली और कड़ी। राजीव जी कह रहे हाथ में रोटी खा रही है, तो पहले हाथ में ही रोटी खाया करते, ये थाली प्लेट ही चल गई। और गामा के आदमी आज भी हाथ में रोटी खावे हैं, जो हाथ में रोटी लेकर चटनी धर के साथ में छायर कोने तक बैठ कर ना रोटी खाने मजा आवे ना, वो थाली प्लेट सजाने में नहीं आता। अगर आप इस बात से एग्री हो तो कमेंट करके बताइए क्या मैं सही कह रही हूँ। अभी गाइस काम हो गया है मेरा कंप्लीट, और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है आज सुबह तक। और भाई आप क्या टाइम हो रहा है, 1 बज गया होगा जी, धूप नहीं दिखी है थोड़ी सी भी और ना निकलने वाली है। तो काम करने के बाद मैं थोड़ी देर करूँ रेस्ट, और फिर बाद में बच्चे आने वाले हैं जब जी मिलेंगे आप, तो इतना मैं सो लूँ, 1 घंटा है मेरे पास, आप भी कर लो रेस्ट। गाइस बहुत ठंड है, कुकड़ी बन रही है मेरी तो कुकड़ी। कौन सी बदतमीजी थी हैं, देखियो नीचे कैसे सारी मिट्टी में कपड़े उठा दिए। अभी ये गाइस कंबल की तह लगा कर धरी थी, इतनी देर में वीर आ गया है, ये फिर कपड़े चेंज करेगा, चेंज करके फिर कंबल में चला जाएगा, तो जी कोई फायदा नहीं है। गर्म बनियान पर रहा है लड़का, वाह बॉडी दिखा कर, दिखा दे बॉडी, दिखा दे दिखा, ये बात जल्दी जल्दी जाओ। अभी गाइस टाइम हो गया है 3 बज गए हैं जी, तो ये मैंने बना ली थोड़ी सी चाय, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, और कहते हैं कि काम ने मट गया काम, सर्दी में कभी भी काम नहीं खत्म होता, पूरा दिन चलता है। और ये कप तोड़ दिया है इसका, ये पकड़ने की डंडी वीर ने, अभी इसमें पी लेती हूँ चाय, फिर इसको फेंक दूंगी क्योंकि टूट गया ना। और बर्तन साफ कर दिए हैं, देखो मेरी किचन कैसे फैली हुई है, लेकिन ये मंजे हुए बर्तन है, इनको लगाऊंगी अभी थोड़ी देर बैठ कर चाय पी। 3:30 बजे वीर जाएगा ट्यूशन, तो आध घंटा वीर के साथ बैठूंगी, फिर वीर चला जाएगा, फिर शाम का काम जो है वो चालू हो जाएगा। इतनी सर्दी में ना ठंडे पानी में हाथ देने का मन नहीं करता, और घर का सारा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और व्लॉग भी शूट करना पड़ता है। डेली सोचती हूँ यार आज रहने दो व्लॉग नहीं बनाऊँ, फिर मन नहीं मानता, क्योंकि एक बार अगर गैप हो जाता है ना, फिर मैं कई दिन का गैप ले जाती हूँ, हल्का सच्ची हो जाती हूँ, एक दिन नहीं पड़ता फिर अगले दिन भी नहीं, चार चार दिन फिर मैं गैप मार जाती हूँ। तो बताना जी कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो, चैनल पर न्यू है चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और साथ के साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, और कमेंट करके बताया करो, प्यारे प्यारे कमेंट करा करो।
अच्छे अच्छे ठीक है। सब आज का ब्लॉग अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।